तो सवाल यही है कि डबल म्यूटेशन कोरोना मरीजों के लिए कितना खतरनाक है, डबल म्यूटेशन की वजह से कैसे 3 दिन में वजन कम हो जाता है, कैसे डबल म्यूटेशन की वजह से 1/4 फेफड़ा खत्म हो जाता है। तो ये सीधा डायरेक्ट एकदम से अटैक करता है फेफड़ों के ऊपर और जिसकी वजह से 72 घंटे से भी कम वक्त लगता है। और ये है क्या, इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो किसी जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन म्यूटेशन है। हम बार बार म्यूटेशन शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जब जीन में स्थायी परिवर्तन होता है तो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कोशिका विभाजन के दौरान होता है और वायरस की वजह से म्यूटेशन होता है, रासायनिक तत्वों की वजह से भी म्यूटेशन संभव है। तो अगर हम जब आगे इस चीज को समझने की कोशिश करें तो अब म्यूटेशन के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो डबल म्यूटेशन है। 25 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का सैंपल लिया गया, 733 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, इसमें से 273 सैंपल में B1617 मिला, 73 सैंपल में 13629 मिला और 67 सैंपल में B11306 वायरस का जो स्वरूप है वो देखने को मिला, 31 सैंपल में B11724 सैंपल में B11216 पाया गया। तो इस तरीके से ये अलग अलग वेरिएंट अलग अलग सैंपल्स में देखने को मिले। और डॉक्टर अरविंदर सिंह हैं इस वक्त हमारे साथ, चेयरमैन वेदांता लीवर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अरविंदर, एक बार थोड़ा सा बता पाएंगे ये डबल म्यूटेंट वायरस कितना खतरनाक है और कैसे हम लोग समझें, क्योंकि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक तो ये अपना असर दिखा चुका होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो डबल म्यूटेंट वायरस है वो ऐसा है कि जल्दी फैलता है। जो स्टैंडर्ड वायरस था लास्ट ईयर उसके कंपैरिजन में ये तेजी से फैलता है, जल्दी ट्रांसमिट होता है और इसमें यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं, इसके सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं। और इनकी रिपोर्ट आने का मतलब है, जिस तरह जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता लगता है कि कौन सा म्यूटेंट है, वो तो एक इंडिविजुअल एक आदमी के तो एक इंसान के केस को मैनेज करने के लिए आवश्यक भी नहीं है और उसका कुछ फायदा भी नहीं है। जी, ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमें बहुत सारे हजारों सैंपल को एनालाइज करके ये पता चलता है कि पॉपुलेशन में किस तरह के वेरिएंट घूम रहे हैं। जी, लेकिन एक इंडिविजुअल मरीज की मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए उसकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो बचने का जो तरीका है वो भी सिमिलर है, जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो भी सिमिलर है, लेकिन जो ये वेरिएंट है ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये जल्दी फैलता है और अगर एक इंसान पहले एक या दो को इन्फेक्ट करता था तो अब घर में पूरे लोग सारे इन्फेक्ट हो रहे हैं एक इंसान के इन्फेक्ट होने से। यंग लोगों में आता है और इसके सिम्टम्स भी थोड़े अलग हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया और लंबा बुखार चलना, ज्यादा खांसी होना और एक हफ्ते से ज्यादा खांसी और बुखार चलना, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। तो अभी अगर ऐसा कोई भी सिम्टम हो तो उसे गंभीरता के साथ बिल्कुल लेने की जरूरत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।